जनपद झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस व लखनऊ की एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 4 लोगों को 2 ट्रक सहित गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास ने खुलासा करते हुए बताया कि एसटीएफ टीम व मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विगत रात्रि मऊरानीपुर के खंडियन चौराहे और पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी वहां से एक ट्रक व एक डंपर निकला, जिसे रोककर तलाशी ली गई, जिसमें दोनों ट्रकों में लगभग 10 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। ट्रकों व ट्रक चालकों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि उक्त गांजा उड़ीसा से मऊरानीपुर तस्करी करके लाया जा रहा था। उक्त पकड़े गए गांजे की बाजार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। पकड़े हुए लोगों ने अपने नाम संजय कुमार पुत्र कमला प्रसाद निवासी कैलाश नगर रायपुर, छोटे लाल पुत्र कैलाश निवासी देवरिया और विनोद सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी खजुरिया जनपद गोपालगंज बिहार, शंकर उर्फ विक्रम पुत्र झसकेतन निवासी रोनरी जनपद उड़ीसा बताया। पकड़े गए लोगों से पुलिस अभी भी गहनता से पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि उक्त गांजा मऊरानीपुर के किसी व्यापारी के यहाँ जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। झांसी से हमारे संवाददाता विक्रम पटेल की रिपोर्ट।